तो इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। क्या है यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में और आने वाले वक्त में क्या बड़े कदम उठा सकती है बीजेपी, इस रिपोर्ट के जरिए जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट को बीजेपी के ये दिग्गज नेता पढ़ चुके हैं। यूपी की हार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब इन्हीं 15 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। पहले बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट का बैकग्राउंड भी जान लीजिए, जिसे 40,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। आलाकमान ने इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के जो कारण बताए हैं वो कुछ इस तरह हैं। अग्निवीर योजना से नुकसान हुआ, संविधान बदलने की बयानबाजी से घाटा, प्रदेश में अधिकारी और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक से नाराजगी बढ़ी, जल्द टिकट वितरण से गुटबाजी को वक्त मिला। साथ ही रिपोर्ट में आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया है और बताया गया है कि इन मुद्दों को वक्त रहते सुलझा लिया गया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी जीत के ट्रैक पर लौट जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मुलाकात की। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। यूपी की हार पर बीजेपी का ये मंथन अभी थमने वाला नहीं है। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में हाजिरी लगाएंगे, जहां उनसे हार की समीक्षा वाली 15 पन्नों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पहले ही साफ हो चुका है, यूपी में योगी ही बॉस रहेंगे और संगठन के सुझावों पर आगे बढ़कर बीजेपी यूपी में अपने किले को फिर से मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।